बहुत आत्मीय आप सब लोगों ने स्वागत किया है, इसके लिए बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद। लेकिन ये अभिनंदन वास्तव में आप लोगों का है। चुनाव के समय आप सभी लोग भारी संख्या में हमारे बगिया निवास में आए थे और आप लोगों ने आशीर्वाद दिया था, आप लोगों ने आश्वस्त किया था कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे और आप लोगों ने जिताकर दिखा भी दिया। पूरे प्रदेश में 54 सीट और 40% से ज्यादा वोट आप लोगों ने दिलवाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दी, इसलिए अभिनंदन आप सभी लोगों का है। हमारे जसपुर जिले में भी तीनों सीट आप लोग भारतीय जनता पार्टी को जिता के दिए। हमारे यादव जी जिनका उद्बोधन शुरू में हो रहा था, उन्होंने कहा कि सरगुजा संभाग में पूरा कांग्रेस क्लीन स्वीप हो गया, पूरा साफ हो गया, 14 का 14 सीट भारतीय जनता पार्टी जीती, तो ये सब आप लोगों के कारण हुआ। तो वास्तव में आप सभी लोग सम्मान और अभिनंदन के हकदार हैं। और आप सब लोगों की समस्या से हम लोग अवगत हैं, आप लोगों के बीच के हम लोग आदमी हैं। और जैसा गोमती साहब बता रही थी कि जो भी ये पद जिसमें आप लोग कार्यरत हैं, ये सब जब 15 साल हमारी सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की, डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उस समय का ये शुरुआत है। और बीच में 5 साल वादा के बाद भी पिछली सरकार आप लोगों के साथ न्याय नहीं कर पाई, जबकि उनके जन घोषणा पत्र में जो 36 वादा का जन घोषणा पत्र था, उसमें आप लोगों के लिए भी वादा था, लेकिन पिछली सरकार वादा खिलाफी की, 36 वादा में एक भी वादा पूरा उनका नहीं हुआ और इसीलिए छत्तीसगढ़ की जनता उनको 35 सीट पर लाके बैठा दी। आप लोगों को मैं मुख्यमंत्री के नाते आश्वस्त करता हूं कि आप लोगों के साथ में न्याय होगा, आप लोगों के साथ मिलकर बात करेंगे और जो अच्छा से अच्छा होगा आप लोगों के लिए सब करेंगे। लेकिन थोड़ा सा जैसे अमर भैया वक्त मांगे तो मैं भी आप लोगों से थोड़ा वक्त मांगता हूं। अभी मोदी की जो गारंटी है वो हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण था, वो महत्वपूर्ण था, इसलिए इस बजट में आप लोगों के लिए शायद कुछ नहीं है, लेकिन आप लोगों को निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों के साथ बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की सरकार न्याय करेगी। आप लोग बोल तो ये बिल्कुल आप सब लोगों के साथ न्याय होगा, आप लोगों के साथ मिल के बात करेंगे। सभी लोग बैठते हैं कृपया। आपको सुनाई नहीं पड़ रहा आप लोग क्या बोल रहे हैं, तो मिल बैठ के बात करें, हम बोल रहे हैं ना।
बैठ कर भाई सब आप लोगों के साथ न्याय होगा। अध्यक्ष लोग थोड़ा देखिए, माइक से बोल। सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि आप सबके बात को सुनने और समझने के लिए ही हमारे मुख्यमंत्री जी आए हैं। आप सब से मेरा आग्रह है कि शांति व्यवस्था बनाकर सभी लोग बैठ जाएं। सभी लोग से मेरा आग्रह है कि आप सब शांति व्यवस्था बनाकर बैठ जाएं। कृपया पूरी होगी आप लोगों की। बैठिए बैठिए बैठिए, और नहीं सुनेंगे तो कैसे होगा बताइए। बैठिए बैठिए, आप लोग बैठिए बैठिए बैठिए। आपसे हमारे सुनने के लिए तो हम लोग आए हैं। बैठिए बैठिए बैठिए, कृपया मेरा निवेदन है आप लोग सभी से बैठिए। बोल रहे हैं इसको सुन तो लीजिए, अपमान मत कीजिए, ये हमारा अपमान है। अगर आप हमारे कर्मचारी हैं तो हमारी बात को जरूर समझेंगे। बैठ जाइए, कृपया सुन तो लीजिए, जवाब से बैठ के बात करेंगे। अगर बोल रहे हैं तो आपके साथ अच्छा ही होगा। हम आश्वस्त कर रहे हैं ना आप लोग की सब मांग पर बैठ के बात करेंगे और आप लोगों के साथ न्याय करेंगे। और आज इस वक्त कांसाबेल से कुछ मांग आई है, तो एक तो कांसाबेल में एक तीर्थ स्थल है तुर्री घाट, जो कांसाबेल क्षेत्र के श्रद्धा का केंद्र है, तो उसके सौंदर्यीकरण के लिए हम 20 लाख रुपए की घोषणा करते हैं। कांसाबेल में इंडोर स्टेडियम की भी मांग हो रही है। हमारे विधायक, हमारे यहाँ के मंडल अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष की मांग है इंडोर स्टेडियम की हम घोषणा करते हैं, और मुक्ति धाम का सौंदर्यीकरण का भी घोषणा करते हैं। हेलो, आप सभी से आग्रह है, आप सभी लोगों ने हाथ जोड़ के बैठ जाए कृपया। स्वागत का कार्यक्रम रखा हम लोगों का, आत्म स्वागत किया, इसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।